लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में मंगलवार 7 मई को 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 11 राज्यों की 95 सीटें थी, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और 8 कैंडिडेट्स के नाम वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अनंतनाग राजौरी सीट का चुनाव टल दिया गया है। अब यहाँ छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद सेकंड फेज 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग 7 मई को शिफ्ट कर दी गई।